हाँ जी मैं 47 बंदे मारे बड़े 47 में बंदे मारे मुझे बड़े आप तो सुनाया नहीं तो मैं ओला जाते टुकड़ा में है बता रहे हैं 47 में क्या हुआ था भाई जी ने बोल रहे हैं उस समय काफी बंदे किए होंगे मारे गए हाँ हाँ कत्ल कर दिए गए उसका तो भुगतान तो नहीं रहा हूँ क्या भुगतान ले रहा हूँ अभी कल बहुत भाई जी ने मारा उनको 47 में बाबा जी वो बोल रहे करेंगे 1947 में भाई जी कहते मैंने मारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुतों को मारा हाँ उसका भुगतान अभी तो नहीं कर रहे हैं तो अज्ञानी थे ऐसा तो जाने कितना मारा मारी की है 63 जन्मों में ये तो कुछ भी नहीं होगा 47 में सौ 150 को मार दिया अज्ञान काल में जो भूलें की हैं उनका उतना ज्यादा नहीं बनता है लेकिन ज्ञान में आने के बाद जो भूलें करते हैं उसका 100 गुना बन जाता है ज्ञान के आने में कोई मार नहीं हाँ हाँ तो हल्के हो गए अभी हल्के हो गए ना हाँ जी इसलिए आपको सुना हाँ जी हाँ जी सबसे खाया जी ने सुनाया था मैंने हाँ जी तो मैं सोचता था मैं अभी इसलिए बीमार होता हूँ मैंने क्या बात है बीमारी कोई उस पर काम ही नहीं आता जी ऐसा ही काम था क्या अपने धर्म के लिए सब कोई करते हैं उस समय अज्ञान में किया और अभी ज्ञान में करेंगे ज्ञान में किया था काम अभी ज्ञान में हम अहिंसा से करेंगे ठीक है इसमें दिल खाने की बात नहीं है और आप सोच रहे हैं मुझे भी पता है जैसे देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला कुर्बानियां भी दी गई आंदोलन चला ऐसे ही वर्तमान में एक भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं अन्ना हजारे जी है उनका नाम है अन्ना हजारे वो एक पूरा देशव्यापी अभियान चला रहे हैं और उनको नाम दिया गया है दूसरी आजादी हाँ मतलब एक आजादी थी जो अंग्रेजों से आजादी हाँ एक भ्रष्टाचार से आजादी भ्रष्टाचार से आजादी के लिए अन्ना हजारे ने इसमें रामदेव जी उनका सहयोग दे रहे हैं हाँ और भी बुद्धिजीवी लोग उनके साथ जुड़े हुए हाँ इसको बेहद में हम कैसे बेहद में तो बाबा ने बता दिया यहाँ असली भ्रष्टाचार है काम विकार का भ्रष्टाचार उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है और जब तक काम विकार का भ्रष्टाचार नहीं हटेगा तब तक ये भ्रष्टाचार हट ही नहीं सकता और वो जो अनशन कर रहे हैं जैसे खाना छोड़ के व्रत कर रहे हैं वो तो हठयोग हो गया हठयोगियों की लिस्ट में चले गए हठयोग से तो कुछ होने वाला नहीं है सारा परिवर्तन राजयोग से होना है लेकिन सरकार उनके आगे झुकी है सरकार खुद भ्रष्टाचारी है इसलिए झुकी है झुक रही है क्योंकि उनका हुजूम बढ़ रहा है भ्रष्टाचार का भी हुजूम बढ़ रहा है सरकार भी तो चाहती है भ्रष्टाचार कम हो जाए लेकिन सरकार के कुर्सियों पर बैठे हुए लोग खुद भ्रष्टाचारी है तो भले ऊपर से झुक जाएं लेकिन अंदर से तो भ्रष्टाचार नहीं छोड़ रहे हैं ये भ्रष्टाचार जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं उसकी जड़ें जितनी गहरी हैं उससे कई गुनी ज्यादा गहरी जड़ें हैं काम विकार की भ्रष्ट आचरण की व्यभिचार की और इसी के लिए सारा वो भ्रष्टाचार होता है हद का
ये खत्म हो जाएगा तो हद का भ्रष्टाचार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। बाहर की दुनिया में जो होता है हद में, वो बेहद की दुनिया में भी बेहद में होता है। तेलुगु में अन्ना कहते हैं बड़े भाई को, यहां भी त्रिमूर्ति में बड़ा भाई कौन है? है विष्णु को कहेंगे चाचा, छोटा भाई है। ब्रह्मा को कहेंगे बाप और शंकर को ताऊ, तो बड़ा भाई हो गया। और हजारे का मतलब है हजार सहयोगी है। और जैसे बताया गया है कि राम का वनवास 12 में खत्म होना है और पांडवों का भी जो देश निकाला था उसका भी समय उसके साथ जोड़ा गया है। पांडव कोई अलग थोड़े ही हैं, जो राम संप्रदाय है वही पांडव संप्रदाय है। दोनों को उसमें भक्ति मार्ग में अलग अलग कहा गया ना, पांडव अलग बताए गए हैं और रावण संप्रदाय। उन्होंने पांडवों को द्वापर में ले गए हैं और राम संप्रदाय को त्रेता में ले गए हैं, और देवासुर संग्राम में देवताओं को सतयुग में ले गए हैं, लेकिन अलग अलग युगों की बात है ही नहीं। उनका जो पीरियड है, समय है, वो 12 में खत्म दिखाया गया है कि उनका खत्म हो जाएगा? 12 में दिखाया नहीं गया है। माया सभ्यता एक कैसेट निकाली है, उसमें बताया है कि 2012 में सब खलास हो जाएगा। हमारे ज्ञान के उससे भी जो है ज्ञान के अनुसार भी सब खलास नहीं हो जाएगा। 14 साल तो खत्म हो जाएंगे ना वनवास के? वो 12 साल पूरे होते हैं, 12 कहो, 13 कहो, 14 कहो। उसका हम ये निकाल सकते हैं कि राम जब वनवास खत्म करके आएंगे तो रावण को निशाचर जो भी है उनको वो समाप्त करके आएंगे। हाँ, वो अंदर की बात है या बाहर के रावण संप्रदाय की बात है? अंदर की। तो अंदर के जो रावण संप्रदाय हैं वो खलास होने की बात है। ये तो अपने अपने अंदर को हर कोई जानता है। सुधार जो है वो होना शुरू हो जाएगा, बीज से ही सुधार शुरू होगा। बीजों में भी भांति भांति के जीव हैं, बीज हैं। उन सब बीजों का जो एक बीज है वहां से शुरुआत होगी। इसका बाहर की दुनिया के ऊपर भी तो असर देखने में मिलेगा? बाहर की दुनिया में बाद में, अंदर की दुनिया हमारे खोपड़े के अंदर ही सारी दुनिया है। तो मनोवृत्तियां परिवर्तन होना शुरू हो जाए। हर एक का अपना अपना वायुमंडल है। एक मुखिया का वायुमंडल चेंज होगा तो उसके संसर्ग संपर्क में रहने वाली जो भी आत्माएं हैं उनका भी वायुमंडल चेंज होना शुरू होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बृहस्पति की दशा लगनी आरंभ हो जाएगी। इस विश्व नाटक की प्रथम आत्मा 12 साल नहीं गाए हुए हैं, 13 या 14 साल गाए हुए हैं। 12 साल पांडवों के कहे जाते हैं वनवास, 13वां जोड़ा गया है अज्ञातवास, वो भी एक तरह का वनवास ही है। बड़ा भारी वनवास है। विश्व नाटक की जो प्रथम आत्मा है प्रकृति जीत कब तक बनेगी? पहले अपनी आत्मा रूपी मन बुद्धि को जीतना है या पहले प्रकृति के 5 तत्व शरीर को जीतना है? पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को जीतने की बात है।
आत्मा को जीतना माने आत्मा एकाग्र हो जाए, मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। जब एकाग्र हो जाएगी तो वायुमंडल को बांधना शुरू करेगी। वायुमंडल जब बंधेगा तो वायुमंडल के अंदर आने वाले जो भी पांच तत्व हैं, अणु हैं, वो भी बंधायमान होना शुरू होंगे। पहले प्रकृति का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए बोल दिया पहले से ही शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा अंदर ही अंदर पावरफुल होती जाएगी। और बाबा जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाहरी शक्ति माया की सेवा करता है तो वो बंधन में क्यों पड़ जाता है? क्योंकि एक के अलावा सब बंधन में रहने वाले हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी आत्मा है जन्म मरण के चक्र में आने वाली जो बंधन में नहीं पड़ती है? तो सारे ही बंधन में रहने वाले हैं। इन आंखों से जो भी देखने में आते हैं वो सब बंधायमान है। एक है जो इन आंखों से देखने में नहीं आता है, निर्बंधन है सदैव। तो संग के रंग का असर पड़ जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के 50 साल जो बताए हैं इस नाटक में उनका रोल नहीं है, वो तो 18 में समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के 50 वर्ष 50 साल कहाँ 18 में समाप्त हो जाते हैं? 68 से हम लेंगे 68 से। हाँ जी, हाँ 50 साल तो खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, उसके बाद ब्रह्मा बाबा का क्या रोल होगा? परमानेंट एक ही शरीर में रहेंगे। अभी तो सभी बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। एक शरीर में जब वो रहेंगे तो हमारे यज्ञ के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और लोग समझ जाएंगे जो राम है वो ही कृष्ण है, राम और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है। जो वीके वाले हैं उनकी बुद्धि में ये चीज बैठेगी, उनकी बुद्धि में नंबर बार बैठेगी। और उसका दुनिया में, बाहरी दुनिया में, लौकिक दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा? लौकिक दुनिया में भी असर पड़ेगा। लौकिक दुनिया वाले भी समझेंगे वो भी एक कृष्ण को जो भगवान माने बैठे हैं उनकी बुद्धि चेंज हो जाएगी। बिल्कुल चेंज होगी, लेकिन नंबर बार होगी, एक साथ नहीं। अब हम लोग सेवा में जब जाते हैं तो सेवा से तो खुशी मिलनी चाहिए। सेवा एक्यूरेट करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सेवा अगर स्वार्थ को लेकर के बुद्धि में चलेंगे तो उतनी खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन जब सेवा में है वहां जाके सफलता नहीं मिलती है और विरोध पैदा हो जाते हैं तो वो खुशी गायब हो जाती है। संदेश तो दिया, लेकिन खुशी तो नहीं मिली। जब हमारी बुद्धि में बैठना चाहिए कि जो हम जहाँ भी कदम रखा है वहाँ हमारी सफलता हुई पड़ी है। कहीं बीज डाला जाता है, वो बीज पथरीली जमीन पर पड़ा है तो तुरंत उगेगा नहीं, लेकिन अगर भुरभुरी मिट्टी को हमने पहचान करके बीज डाला है तो वो तुरंत फल देगा। इसलिए परख करके ज्ञान दान देना चाहिए। परख न होने के कारण पथरीली जमीन पर बीज डाल दिया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता है और हम मायूस हो जाते हैं। मायूस होने की बात नहीं है, हम जहां जहां कदम रखेंगे, जहां जहां थोड़ा भी प्रयास करेंगे वहां हमारी विजय नुदी हुई पड़ी है, आज नहीं तो कल। बाबा शुरू में जो एनटीओ मंडली का जिक्र आया है यज्ञ में, है जी, हाँ, तो वो एनटीओ मंडली किसे कहेंगे? क्या बीके वालों को आज हम एनटीओ मंडली कह सकते हैं?
एक्चुअली झगड़ा किस बात पर हुआ था? शुरुआत से ही यज्ञ में किस बात पर झगड़ा होता चला आया है? यज्ञ में जो भी झगड़े हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और पहले भी होते रहे हैं, उनका मूल कारण क्या रहा है? मूल कारण रहा है पवित्रता। ये प्योरिटी की परिभाषा दुनिया वाले जान सकते हैं कि हम बच्चे जान सकते हैं? हैं? हम बच्चे जान सकते हैं, दुनिया वाले तो इस परिभाषा को समझते ही नहीं है। और यज्ञ के आदि से ही धोबी घाट चलता चला आ रहा है। वो धोबी घाट जो चला है यज्ञ के आदि से ही, उसकी गहराई को यज्ञ के अंदर साक्षात्कार कर करके जो संपर्क संसर्ग संबंध में आ गए, वो उससे अटैच्ड हो गए या दुनिया वाले अटैच्ड हो गए? अटैच कौन हुए? जो संसर्ग संबंध संपर्क में आ गए पूरे रीति, वो अटैच हो गए। उनके लिए गुप्त नहीं रहा और दुनिया वालों के लिए वो राज गुप्त बना रहा, वो नहीं समझ पाए कि भगवान इस सृष्टि पर आता है तो कैसे परिवर्तन करता है। न समझने के कारण वो बात आखिर खुलेगी या नहीं खुलेगी? खुलती है। जब खुलती है तो दो पार्टियां हो जाती हैं। एक पार्टी विरोध करती है, बाहरी दुनिया वाली। जब विरोध करती है तो अंदर जो कच्चे कच्चे घुसे हुए हैं वो दुनिया वालों के साथ मिल जाएंगे अपनी कमजोरी के कारण, या अंदर जुड़ करके रहेंगे? है? वो दुनिया वालों के साथ मिलने लगे। जो भी मिलने लगे वो भक्ति मार्ग के फाउंडेशन वाले थे या ज्ञान मार्ग के फाउंडेशन वाले थे? सारे के सारे भक्ति मार्ग के फाउंडेशन वाले थे। जो उनमें सबसे अव्वल नंबर कौन था वो पहले भाग गया, बस झगड़ा जोर पकड़ गया। जैसे क्राइस्ट को जान से मार दिया, वो भी कौन सी बात थी? पवित्रता की बात थी। अब समझा जाए कि एंटी कौन है और नॉन एंटी कौन सा है? है? हाँ, जो कच्चे थे, जो भाग खड़े हुए, वो ही एंटी हुए असली, दुनिया वालों के साथ मिल गए। हाँ, मगर पापा उन्होंने यज्ञ के आदमी तो यज्ञ को संभाले रखा है। वो ब्रह्मा बाबा उधर तो डटे रहे यज्ञ के आदि में। आदि में डटे रहे? सिद्ध हैदराबाद किस लिए गए? सिंध हैदराबाद से छोड़ करके किस लिए गए? नहीं बाबा, क्या चले गए? वो प्रश्न ये आता है कि अगर डटे रहे तो सिंध हैदराबाद का सत्संग छोड़ करके सबसे पहले कराची में एकांत बंगले में जाके क्यों बैठ गए? बाबा इसमें है ना 42 की बात है बाबा, 42 में तो उसने शरीर छोड़ा प्रजापिता ने। ब्रह्मा बाबा पहले से ही चले गए। संघर्ष शुरू हुआ और वो बहुत, ये तो बवंडर खड़ा हो जाएगा। पहले सहयोग दिया, जो आदि में हुआ है वो सब अंत में नहीं होगा, अंत में भी होगा। उस समय पता चलेगा कौन अंत तक सहयोगी रहने वाले हैं और कौन भाग खड़े होने वाले हैं, कौन दुनिया का मुकाबला करेंगे और कौन दुनिया के साथ मिल जाएंगे। अंत में जो लड़ाई होगी वो भी प्योरिटी इम्प्योरिटी की पूरी होगी? अभी प्योरिटी से लड़ाई नहीं हो रही है। अभी लड़ाई प्योरिटी इम्प्योरिटी की नहीं हो रही है। फिर अभी भी जो घर में झगड़े झगड़े चल रहे हैं वो किस बात के ऊपर चल रहे हैं?
जो बांधेलियां बन रही हैं, तो किस आधार पर उनको बांधा जा रहा है? कौन सी बात बांधने वालों की बुद्धि में चल रही है जिसके आधार पर वो बंधन डाल रहे हैं? कोई बात है या नहीं है? है? और सत्संगों में जाने के लिए तो बंधन नहीं डालते हैं, यहां ही बंधन क्यों डाला जाता है? वो बंधन 63 जन्मों का साथ है। वो बंधन जो 63 जन्मों का साथ है। 63 जन्मों का? हाँ, 63 जन्मों में भी जिन्होंने सत्संग में जाने से रोका होगा उनको यहाँ रोका जा रहा है। और जैसे कहा गया कि सिर्फ 8 ही हैं जो फ्लॉलेस होंगे, हैं? फ्लॉलेस बनेंगे। हाँ, 8। हाँ, ये सजाएं नहीं खाएंगे। हाँ, सजाएं नहीं खाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा तो 8 में आते नहीं है। वो चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? इनको भी सजा मिलेगी। अरे अभी भटक नहीं रहे हैं? धर्मराज, इनको कैसे कहा गया? वो शरीर में जब संपन्न बनेंगे तो शरीर के आधार पर, जिस शरीर में परमानेंट प्रवेश करके कार्य करेंगे तो झुक जाएंगे ना। जब ये धर्मराज हैं तो धर्मराज को सजा कौन देगा? वो जो शरीर है, शरीर। तो शरीरधारी ही राम वाली आत्मा स्वयं ही धर्मराज हो गई। बाबा ने बोला मैं शरीर धारण करवा के सजा दूंगा। है? बाबा ने तो बोला शरीर धारण करवा के सजा दूंगा। और क्या, सूक्ष्म से सजा देंगे? जितने भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं उनको सजाएं नहीं मिलेंगी? ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो शरीर छोड़ गई और उनको अब शरीर नहीं मिलना है, जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां शरीर छोड़ रहे हैं उनको अब शरीर मिलना नहीं है, ब्रह्मा बाबा की तरह, मम्मा की तरह, तो क्या उनको वो सजाएं नहीं खाएंगे? कैसे खाएंगे सजाएं? कोई न कोई शरीर में प्रवेश करेंगे, जैसे औलिया होते हैं तो बांध लेते हैं शरीर के अंदर, ऐसे शरीर के अंदर बांध करके सजा दी जाएगी। सुप्रीम जस्टिस किसको कहेंगे? एक ही तो है सुप्रीम जस्टिस, कोई दूसरा है? उसी में शिव प्रवेश करता है, उसी में धारणाओं का राजा प्रवेश करता है। धारणाओं के राजा को सजा जो है सुप्रीम जस्टिस देंगे। दो आत्माएं हैं, एक परमात्मा है सुप्रीम सोल, तीनों मिलकर के जस्टिस बनते हैं या एक बनता है? दुनिया में भी जो बड़े बड़े क्या नाम न्यायालय होते हैं उनमें कितने बैठते हैं बड़े बड़े फैसले करने के लिए? तीन की बेंच होती है ना, तो यहां भी ये तीन है, ब्रह्मा की सोल, राम की सोल और शिव की सोल। हाँ जी, शरीर एक ही है। गणेश का भी सिर कटा हुआ दिखाते हैं और प्रजापिता का भी सिर कटा हुआ दिखाते हैं। गणेश का सिर कटा हुआ दिखाते हैं, काट करके दूसरा सिर लगाते हैं। हाँ जी, तो प्रजापिता का सिर किसने काटा? वीरभद्र ने। गणेश को तो दूसरा सिर मिला। हाँ, तो प्रजापिता को भी दूसरा सिर मिला से कहा? तो जगत पिता ने काटा। भगवान तो ढेर बन गए, तो भगवान एक है या ढेर के ढेर हैं? कच्छ मच्छ अवतार, सारे जानवर के अवतार, जानवर जो अवतार दिखाए गए हैं वो सारे ही भगवान हैं या एक ही भगवान है? भगवान आके जानवरों को पढ़ाई पढ़ाएगा या मनुष्य को पढ़ाई पढ़ाएगा? मनुष्य को पढ़ाएगा। बाकी जो दिखाए गए हैं वो तो सब जानवर के अवतार दिखा दिए। बाबा, सृष्टि कहां से? सृष्टि कहां से आई? सृष्टि तो अनादि है, आई नहीं कहीं से, ना ऊपर से आई ना नीचे से आई। कहां से इसका वर्णन? है
निर्माण नहीं होता है, सृष्टि अनादि है, अनादि रहेगी, न कभी खत्म होगी न कभी खत्म हुई है। पहले सृष्टि में सिर्फ पानी पानी था। है वो दूसरी बात, जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मीलों ऊंचे पहाड़ पिघलते हैं तो पिघल करके समंदर में आ जाते हैं, जब समंदर में आएंगे तो पृथ्वी डूब जाएगी। सुप्रीम सोल कहाँ से आया? फिर कहाँ से आया सुप्रीम? तुम क्या बिना भट्टी के ये बैठ गए क्या? कब की थी भट्टी तुमने? है 2000 में, 12 साल पहले। 2010 में तो तुम्हें पता नहीं पड़ा कि भगवान कहाँ से आता है? परमधाम कहते हैं। हाँ तो फिर परमधाम से कहाँ से आया? परमधाम कहाँ से आया? परमधाम आता ना? परमधाम आता जाता नहीं है। गीता में लिखा ना कि मैं परमधाम का निवासी हूँ। परमधाम का निवासी हूँ। परमधाम निवासी तो कहाँ से आया? परमधाम निवासी कहाँ से आया? परमधाम से आया। वो परमधाम से तो आया, पर परमधाम से आया रहा। कहता है, कहते हैं परमधाम में कहाँ से आया? वो है ही वहाँ का रहने वाला। वो आता है सिर्फ कलयुग के अंत में, आता है फिर चला जाता है। भक्ति मार्ग में शिव को दिखाते हैं कि उन्होंने काम में कुंडल बिच्छू बने, बिच्छू कुंडल बने हैं। भक्ति मार्ग में शिव को दिखाते हैं कि बिच्छू के कुंडल पहने। हाँ जी हाँ जी। क्या सभ्यता? वो उनका श्रृंगार दिखाया है कि उन्होंने जितना ज्ञान सुना है उतना ज्ञान और किसी ने नहीं सुना है, इसलिए कुंडल दिखाई गए। तो जो लोग उसकी बहुत कहते हैं भगवान द्वारकानाथ है, द्वारकानाथ शायद जी है ना? द्वारकानाथ शायद जी है ना? द्वारकानाथ कोई शास्त्री जी हैं? वो बहुत ही मतलब उसकी चर्चा बहुत चली है। तो उसमें प्योरिटी है या ऐसी है? उसमें प्योरिटी है धोती उन्होंने आत्मदाह किया था। तो उससे क्या होता है? आत्मदाह जो आत्मदाह होता है, आत्मा कभी दहकती है क्या? शरीर को जला दिया था। अपने शरीर को अग्नि में जला दिया था। हाँ, शरीर को जला देना ये तो जीव हत्या कर दी। जीव हत्या करने वाला पापी होता है या पुण्यात्मा होता है? वो तो पापी हो गए, वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं जो जीव हत्या करते हैं। इससे तो अच्छा दूसरों की हत्या कर दो। जो अपने को ही नहीं छोड़ता वो दूसरों को क्या छोड़ेगा? उन्होंने हत्या की तो उसे कोई दुखी में कोई दया होती है? और प्रश्न आया है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस स्टेज में जो रहती हैं वो शेरनी शक्तियां हैं, जो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरों का आधार लेते हैं वो शेरनी शक्तियां नहीं हैं। तो जगदम्बा क्या शेरनी शक्ति नहीं है? यहां आधार लेना सिर्फ शरीर के लिए लागू होता है ज्ञान मार्ग में, या बुद्धियोग के लिए भी लागू होता है? खास बुद्धियोग की बात है। जैसे जगदम्बा महाकाली का भी रूप धारण करती है, एकदम तामसी बनती है, तो भी उसके मस्तक में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। इसे क्या साबित होता है कि मन से किसको याद करती है? एक को ही याद करती है। देखने वालों को लगता है ये किसी के अधीन है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए अधीन है। जैसे शिव के ऊपर नारियल चढ़ाते हैं, तीन आंखों वाला नारियल चढ़ाते हैं ना, ऐसे ही शक्तियों के ऊपर भी नारियल चढ़ाते हैं। नारियल का अर्थ क्या है? जो रियल नहीं है, जो देखने में आता है वो पुरुषार्थ रियल नहीं है,
शंकर का भी वो पुरुषार्थ रियल नहीं है जो देखने में आता है। इसलिए मुरली में बोला है तुम बच्चे शंकर को भी समझ न सको कि असली पार्ट क्या है। ऐसे ही ये भी बोला है रचयिता तो फिर भी समझ में आ जाता है लेकिन रचना को समझना और ही मुश्किल है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं विदेहु ने नार हृदय गति जानी, तो अंदर से क्या है उनका पुरुषार्थ जगदम्बा का वो कोई नहीं जानता। जैसे शंकर को अड़भंगा कहा जाता है वैसे महाकाली भी अड़भंगे स्वभाव संस्कार की है। कर्मातीत अवस्था का क्या अर्थ है? कर्म अतीत, अतीत कहते हैं जो पास्ट हो गया। एक कर्म होता है कर्म कर रहे हैं, कर्म करने के साथ ही साथ उसका पाप पुण्य बनता जाता है। एक ऐसी भी योग की स्टेज है कि कर्म करते हैं कर्म इंद्रियों से लेकिन उसका पाप पुण्य अतीत हो जाता है, पास्ट में चला जाता है, वर्तमान में उसका कोई असर नहीं और भविष्य में भी उसका कोई फल नहीं आने वाला, उसको कहते हैं कर्मातीत। अकर्म कहेंगे, अकर्म, कर्म किया किया न किया। मन को कंट्रोल करने की बात है, जिस कर्म में मन लगता है मन का लगाव जाता है मन का अटैचमेंट जाता है उसका पाप पुण्य बनता है, जिस कर्म में मन का अटैचमेंट नहीं जाता है उसका पाप पुण्य भी नहीं बनता है। तो मन एकाग्र हो गया तो कर्मातीत हो गया। 10 इंद्रियां काम करती हैं लेकिन जो 10 इंद्रियां हैं अगर उनमें मन रस नहीं लेता है 10 इंद्रियों के कार्य में तो कोई भी असर नहीं होगा, पाप पुण्य बनता ही नहीं। मिसाल भी दिया है, महबूब अपनी महबूबा की याद में जा रहा है कारखाने में, रास्ते में ढेर के ढेर लोग निकल जाते हैं नजरों के सामने से, उसे पूछा जाता है तुमने किस किस को देखा, वो कहता किसी को नहीं देखा। तो आंखें तो खुली रही, आंखें नहीं खुली रही तो घर से निकल करके कारखाने तक कैसे पहुंच गया? आंखें भी खुली रही, टांगे भी चलती रही, कर्मेंद्रियों ने काम तो किया ना, फिर उसे याद क्यों नहीं है कि किसको किसको देखा? क्योंकि मन दूसरी तरफ लगा हुआ था। तो सारा मन का खेल है, जैसे कहा जाता है काम जीते जगत जीत, ऐसे ही क्या कहा जाता है मन जीते जगत जीत। बाबा शिव को सागर नहीं कहेंगे हैं? शिव को सागर नहीं कहेंगे हाँ? क्योंकि सागर आधार लेता है धरती का। हाँ जी, तो फिर सागर कौन है? शिव बिंदु का नाम है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है तो वो सागर है, सागर तो वो तो जड़ है,
जो जड़ है वो सागर नहीं हो सकता, वही जड़ ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आकर कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो सागर है। और वो जो सागर है साकार में है, वो पृथ्वी से अटैच है या डिटैच है? पृथ्वी से अटैच है, पृथ्वी का आधार लेता है। वो निराकार ज्योति बिंदु आधार किसी का नहीं लेता है। सिवाय एक मुकर्रर रथ के, बाबा शिव के एक पैर में चूड़ा दिखाते हैं, एक पैर में क्यों नहीं दिखाते? किसके? शिव के। शिव के? शंकर के। शंकर के। शंकर के पैर में एक वो दिखाते हैं ना, दिखाते हैं ना लाल, तो एक में नहीं दिखाते उसका क्या? कड़ा जो है माताओं के भी टांग में कड़े डाले जाते हैं कि नहीं है? वो जेल में जो जेली होते हैं, कैदी होते हैं, उनकी टांग में भी कड़े डाले जाते हैं। हाँ, बेड़ियां कहते हैं उनको, बेड़ी बंधन। एक ही टांग में बंधन है, दूसरी टांग में बंधन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? विकारों का बंधन एक टांग में है, दूसरी टांग में विकारों का बंधन नहीं है। इसलिए बोला कि रुद्रमाला के मण के लंगड़े हैं या अंधे हैं? लंगड़े हैं। जिसके पांव में बेड़ी पड़ी हुई हो वो लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा या दौड़ेगा? लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा। हाँ, भक्ति मार्ग में शंकर को बहुत ही क्रोधी है, क्रोधी दिखाई दिया। बहुत जल्दी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला भी दिखाया जाता है। वो तो सब कुछ है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। विरोधी बातें भी लागू होती हैं, अवरोधी बातें भी लागू होती हैं। है लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी को आधे बाजू का ब्लाउज में दिखाया गया है, जबकि नारायण को पूरा यहां तक उसके कवर किया हुआ, कवर किया हुआ है, तो उसका आधा बाजू, जबकि नारी जाति को तो अपना पर्दा पूरा रखना चाहिए। हाँ जी। और ये हमारे सनातन धर्म के हमारे लिए प्रतिनिधि है। हाँ। तो इनकी इस ड्रेस को आधे बाजू नग्न जो दिखाया है, इसका क्या राज? यहाँ जो पहनावा दिखाया गया है वो पहनावे से मतलब गुरु का श्रृंगार है, स्थूल कपड़े से नहीं है, वो बेहद की बात है। जो वस्त्र है वो नारायण की बाहों में पूरा पूरा दिखाया गया। पूरा पूरा दिखाने का मतलब यह हुआ कि उनकी जो भी भुजाएं हैं, चाहे राइटियस भुजाएं हों और चाहे लेफ्टिस्ट भुजाएं हों, वो सारी की सारी भुजाएं देह अभिमान से पूरी ढकी हुई हैं। और विजयमाला में कन्या माताओं की भुजाएं, वो देहवान नहीं है उतना। बाबा ये कहा गया है कि नारी जाति में देह अभिमान ज्यादा होता है। नारी जाति संघ के रंग में आ जाए तब उसमें देहवान ज्यादा है, या जब कन्या है संघ के रंग में नहीं आई हुई है तब ज्यादा है? संघ के रंग में आने से ज्यादा, तब ज्यादा होती है। पहले तो पवित्री होती है, तो ऐसे ही वो कन्याकुमारी है। जब संग के रंग में आती है तब देहभान ज्यादा बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है स्त्रियों में देहभान ज्यादा होता है,
देह का होना ज्यादा रहता है। पुरुष नहीं जल्द घड़ी घड़ी पल्लू संभालेंगे और स्त्रियां घड़ी घड़ी पल्लू संभालती है। और बाबा जैसे अभी भारत ने क्रिकेट में विश्व कप जीता है और क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त जुनून दुनिया के अंदर देखने में आया, इसको बेहद में दुनिया में देखने में आया है। हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों की जो दुनिया है उनको ज्यादा रस आएगा या दुनिया के दूसरे देश वालों को ज्यादा रस आएगा, किसको आएगा? विश्व कप था जरूर, लेकिन उसमें भाग किसने किसने लिया? पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने भाग लिया, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की बात हो गई, दुनिया वालों के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं है। इसका इतना जुनून जो है इसका बेहद में क्या अर्थ निकलेगा? जुनून तो दुनिया वालों को है ना, ब्राह्मणों की दुनिया में थोड़े ही है। ब्राह्मणों की दुनिया में तो बेकार की बात समझते हैं। विश्व कप की उपलब्धि जो है ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी गई है। हाँ? भारत ने 28 साल के बाद ये विश्व कप जो है वो हासिल किया है, तो इसका इससे मिलता क्या है, इसका ज्ञान के साथ क्या संबंध है? वो भी नहीं, ये तो फालतू की बात है। क्रिकेट निकला बाबा, हाँ ये एक तरह की फालतू बात है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो विदेशी खेल है या स्वदेशी खेल है? विदेशी खेल है, और विदेशों से जो भी चीजें निकली हैं वो फायदेमंद है या नुकसानदायक है? वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड एनर्जी। और आज सबसे ज्यादा महत्व क्रिकेट को दिया जा रहा है। हम सारे भारतवासी या पाकिस्तानी कौन सी सभ्यता में रंगे हुए हैं, तो उसी को महत्व देंगे ना। बाबा मुरली में बोलते हैं कि सुख की दुनिया मेरी है, क्या दुख की दुनिया मेरी नहीं है? हाँ? तो फिर लोग माया के चंबे में घुसते हैं। आधा हिस्सा कैसे ले लेती है? क्या माया आधा हिस्सा कैसे ले लेती है? क्या आधा हिस्सा ले लेती है? आधा मतलब तो हम माया भी नहीं बन जाते हैं, उसके चंबे में आ जाते हैं। हम माया भी नहीं बन जाते, हम मायावियों के सरताज बनते हैं कि नहीं बनते हैं? राम रावण बनता है कि नहीं बनता है? तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया भी मेरी है और राम की दुनिया भी मेरी है। बड़े आदमी का बच्चा होगा वो कुसंग में आएगा, और एक गरीब आदमी का बच्चा है वो भी कुसंग में आएगा, ज्यादा कौन बिगड़ेगा? बड़े आदमी का बच्चा है वो ज्यादा बिगड़ जाता है। तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अगर द्वापर युग से बिगड़ों की दुनिया शुरू होती है तो उन बिगड़ों की दुनिया में भी सरताज कौन बन जाता है? हम बनते हैं। पहले जो कुछ हम छोड़ेंगे वो ही दूसरे लेंगे। तो जो अष्टदेव है क्या वो बिगड़ते नहीं है? वो भी बिगड़ते हैं नंबर वार, लास्ट में जाके बिगड़ते हैं। 83 जन्मों में बाप के सहयोगी बन के रहते हैं, जितना वो सहयोगी बनते हैं उतना और कोई आत्मा सहयोगी नहीं बनती। अभी भी यज्ञ में उनका आदि से लेकर के अंत तक का जीवन देखा जाए तो दूसरी आत्माएं ज्यादा सहयोगी देखने में आवेंगी या वो आत्माएं जब से यज्ञ में आई हैं, ज्ञान में आई हैं, तब से लेकर अब तक ज्यादा सहयोगी देखने में आवेंगी? तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, सब प्रकार की बाजी लगा करके वो आत्माएं वो आगे देखने में आवेंगी। बाबा जैसे जापान में वो विनाश हुआ रात के 2 बजे है, जापान में विनाश हुआ ना है, रात के 2 बजे में सब सोए हुए उस वक्त है, तो मालूम नहीं था कि विनाश। नहीं नहीं नहीं, तो बाबा क्या ऐसा अंधविश्वास है? सभी जगह में ऐसे ही होगा, सभी जगह ऐसे ही होगा? तो सारी दुनिया अज्ञान की नींद में सोई नहीं पड़ी होगी,
सारी दुनिया अज्ञान की नींद में पड़ी पड़ी सोती नहीं है। हाँ तो फिर वो तो बहुत दिखा रहे थे सब, मतलब जो जहाज समुद्री थे वो भी ऐसे बह रहे थे। होगा कि हो रहा हो रहा है। बाबा भक्ति मार्ग दुर्गा अष्टमी और रामनवमी मनाई है, मतलब अष्टमी और नवमी मनाई जाती है, रात्रि जाते हैं दुर्गा अष्टमी रामनवमी। तो हमारे जो अपना ज्ञान मार्ग में जो देहद की दुर्गा अष्टमी और रामनवमी माने पहले जन्म देवी का होगा या पहले देवता का होगा, पहले प्रत्यक्षता किसकी होगी? पहले शक्तियां संसार में प्रत्यक्ष होंगी या पहले देवता प्रत्यक्ष होगा? आगे किसको किया जा रहा है? शक्तियों को आगे किया जा रहा है, तो शक्तियां ही आगे रहेंगी। दूसरे जो छह महीने के बाद बाबा आते हैं उसमें दशमा दशहरा। हाँ हाँ, तो यहाँ भी तो ब्राह्मणों की दुनिया में दो प्रकार की शक्तियां, एक बेसिक में है और एक एडवांस में भी है। तो पूरे संगम युग में दो प्रकार की शक्तियां हो गई, वहां भी राम की आत्मा काम करती है और यहां भी आत्मा राम की आत्मा काम करती है। बहुत संगम युग की और लौकिक उम्र को जोड़ के प्रजापिता की उम्र 175 वर्ष बनती है, ठीक है? तो क्या ये तत्व भी कह सकते हैं साथ में है? जैसे बाबा कहते हैं तत्व, तत्व तत् माने जो वो सोई तुम हो। अगर 175 वर्ष उम्र प्रजापिता की बताई गई है तो ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात हुई। हाँ। अब तक किसी की भी उम्र हुई नहीं है। हाँ। तो क्या बच्चों की भी उम्र जो है वो उतनी होगी, नंबरवार होगी? सबकी 175 साल थोड़ी हो जाएगी। अष्टदेवों का नंबर लगेगा पहले, उसमें भी नंबरवार है। अष्टदेवों की भी 175? 175 पूरी पूरी क्यों होगी, नंबरवार होगी या एक जैसी होगी? उसमें भी नंबरवार होंगे। और तो इसको हम सही मान के चले कि प्रजापिता की उम्र जो है वो टोटल लौकिक उम्र। तत्त्वम का अर्थ दूसरे तरीके से लगता है, जैसे अर्थ लगता है आत्मा सु परमात्मा का गायन संसार में कैसे हो गया? गायन तो है ना, जब गायन है तो उसको सच्चाई भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो क्या सच्चाई है आखिर? जरूर कोई एक आत्मा है जो परमात्मा की स्टेज में पहुंचती है, इसलिए कहा जाता है आत्मा सु परमात्मा। एक शंकर है जो शंकर ऐसा पुरुषार्थ करता है कि शिव समान बाप आकर के उसको आप समान बनाए देते हैं, तो आत्मा सो परमात्मा उस एक का गायन है। लेकिन गुरुओं ने क्या किया, गुरुओं ने अपने ऊपर लगाई लिया, उनके चेलों ने फिर अपने ऊपर लगाई लिया, ऐसे करते करते हर एक आत्मा सो क्या हो गई, परमात्मा को समझने लगी। हाँ। जो कुमार बाबा को मतलब चलते पीते खाते पीते सोते जानते हैं हर पल मतलब बाबा को याद करता रहे। हाँ। जैसे आपने बताया कि पहले एक आशिक जाता है कार, है ना, आपने एक आशिक आता है कार आने में, एक क्या आता है खाने में जाता है आशिक आता है कार। हाँ। तो वो अपने याद में आता है। हाँ। तो उसे आगे पिछले का कुछ मतलब याद नहीं, कुछ पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है? तो आपने कहा कि उसको पूछता है कि आपको कोई राशन मिला तो पैसा नहीं मिला, नहीं तो याद नहीं आता ना। हाँ? तो बाबा के याद में मतलब कहीं भी मतलब हर पल बाबा की याद में रहे। हाँ? तो उसकी याद में वो शेष बनी, ठीक है? तो उसमें एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो कोई भी कर्म करेगा उसका कर्म के ऊपर उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जैसे परमात्मा इस संसार में आकर के सारे कर्म करता है कि नहीं करता है, करण करावना हर है या नहीं है?
करण करावर हार है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई पाप और पुण्य नहीं करता। क्या होता है कि माया उसका मतलब ज्ञान है, आंख से आंख ना हमारी इंद्री है, तो आंख के जरिए उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, तो वो कुछ पलों के बाद दोबारा बाबा की याद में आता है। ठीक है, तो उसकी वो आंख से भी कमजोर होती है ना, है तभी ऐसा होता है ना। बिल्कुल, तो वो एक टाइम ऐसा था कि उसकी स्थिति इतनी पक्की बनी जाती है तो माया का मतलब माया को थप्पड़ नहीं मारती, माया थप्पड़ नहीं मारेगी, प्रैक्टिस करते करते ऐसी अवस्था हो जाएगी अगर सच्चाई है तो। बाबा एक बात पूछूं, बोलूं? अगर सच्चाई नहीं है, पूरा पोतामेल नहीं देता है, पोतामेल को छुपा लेता है, तो माया नीचे गिरा देगी। तो आपने ये भी कहा कि जिसमें मतलब जिसने अच्छा पोशाक किया होगा ना, अच्छा पोशाक, तो वो गिरने में थोड़ा पाइप टाइम का टाइम लगेगा, आशा का गिरेगा वो नीचे। ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करने वाले भी जल्दी गिर जाते हैं। यज्ञ के आदमी ही गिर गए। मैं तो कहता हूँ ना, सच्ची मन से हाँ। वो रहता है। तो अच्छी बात है, वाक सिद्धि हो गई तुमको। अब कह दो स्वर्ग स्थापन हो गया। और पोता मेल बाबा को मौखिक में ओरल में देना जब बाबा आते हैं वो ठीक है या लिखित में देना वो ठीक है? ओरल में दिया बना पक्का प्रूफ नहीं दिया, आज ओरल में दे दिया और कल कह दिया हमने कहाँ कहा था। इसलिए बोला गया कि पोता मिल कोई निराकार को देना नहीं है, निराकार अंतर्यामी है या नहीं है? निराकार तो अंतर्यामी है, तो देना किसको है? साकार को देना। अब साकार को जो देना है तो वो साकार तो पक्का प्रूफ साकार में लेगा या नहीं लेगा? उसे तो प्रूफ चाहिए, क्योंकि मुरली में तो बोल दिया, अव्यक्तवाणी में भी बोल दिया कि बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण की कोई बात मानते ही नहीं। तो 100 बार बक्का, एक बार लिखा, लिख करके दे दिया तो पक्का प्रूफ हो गया, माना स्वीकार कर लिया क्या हमसे ऐसी गलती हुई। और वो आधा माफ हो जाता है, क्या जो लिख करके दिया उसका आधा माफ उसी समय हो जाता है, बाकी जो आधा रहता है वो हल्का होने के कारण पुरुषार्थ में तीखा दौड़ सकता है, तीखे दौड़ के उस आधे को भी खत्म कर सकता है, चाहे तो खत्म करे और चाहे तो दोबारा वही गलती करके फिर बढ़ा दे। तो कोई कोई तो बार बार लिखते रहते हैं, बार बार देते रहते हैं, तो फिर बार बार आधा ही माफ होता रहेगा या माफ होने की परसेंटेज कम होती जाएगी? है माफ होने की परसेंटेज कम होती जाती है। जैसे ब्लड रिलेटेड जो है हाँ। वो तो उनके लिए तो बाबा ने कहा है कि वो ज्ञान में आए हैं, ठीक है,
तो जो ज्ञान में चलते हैं उनके बच्चे तो हो गए ब्लड रिलेटेड, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो उनके काउंटर पार्ट हैं अर्धांगनियां हैं हाँ? तो ब्लड रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो क्या वो भी बाबा की ज्ञान के अनुसार वो भी एडवांस में आएंगी? उनके लिए नहीं बोला, परिवार के लिए बोला। परिवार में जैसे लड़का है बहू है, वो सब खून के संबंध में हो गए। बहू को खून के संबंध में कैसे कहेंगे? क्योंकि लड़के का खून उस बहू में चला गया, लड़की दी गई है कहीं, तो लड़की का खून लड़के में जाएगा या लड़के का खून लड़की में आएगा? है हाँ जी, कुछ मतलब जो लोग हैं तो भक्ति मार्ग में है वो कच्चे हैं, कुछ हजारों में से कुछ लोग सच्चे होते हैं है? जो भी काम करते हैं सच्चाई के आधार पर करते हैं, कोई कोई सच्चे होते हैं, जिस साधु हैं साधु देख लीजिए, साधु सन्यासी सच्चे होते हैं, साधु देख लीजिए तो हजारों में से साधु एक सच्चा भी होता है, उसका मतलब सच्चाई पर चलना होते हैं बहुत कम होते हैं हाँ? तो उनको कौन सा पद मिलेगा? वो पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं तो पद कहाँ से मिलेगा? तो साधु सन्यासी कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं? यहाँ कोई बैठा है साधु सन्यासियों में से? फिर अंत में निकलेंगे, उनका पार्टी अंत में निकलने का है, अंत में निकलेंगे तो हो हल्ला मच जाएगा, अशांति का टाइम आ जाएगा, अशांति के टाइम में पढ़ाई होगी या नहीं होगी? पढ़ाई तो खत्म हो जाएगी। बहुत वकालत कर रहा है सन्यासी अभी। अच्छा जी, तो वो जब वो बोलते हैं ना जब संस्कृति दी तो मुझे मेरी आंखों को शांति मिलती है, मुझे बहुत आनंद आता है। ऐसे सुनता हूँ जब कहीं मतलब फूड बैठते हैं ना हाँ, तो बोलते हैं बहुत अच्छा हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माने बहुत प्रभावित हो? बहुत सुनने में आता हूँ। अच्छा प्रभावित माने प्रजा? तो मेरे चार मिल गए थे पंत बन गया है। तो मैंने कहा मेरा मन नहीं करा पंत बन गया, तो ज्ञान मिल गया ना, मन कहाँ से करेगा बाबा? वाणी में एक शब्द आता है डबल ब्राह्मण है, उसका क्या अर्थ निकालेंगे? डबल ब्राह्मण माने लौकिक में भी ब्राह्मण थे, जैसे ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी ब्राह्मण थे और अलौकिक में भी ब्राह्मण बन गए, ऐसे ही वैष्णवी देवी लौकिक में भी ब्राह्मण तो अलौकिक में भी ब्राह्मण ही बन गई, डबल ब्राह्मण हो गई। ऐसे ही जगदम्बा लौकिक में भी ब्राह्मण तो अलौकिक में भी ब्राह्मणी बन गई, प्रजापिता भी लौकिक में भी ब्राह्मण तो अलौकिक में भी ख्याल आता है कि जो लौकिक में ब्राह्मण है उनको तो ब्राह्मणत्व स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है, संकोच नहीं है, तो लेकिन दूसरी जाति का जो है उसको अपने आप को लौकिक दुनिया में चलते हुए अपनी जाति को भूलना, अपने वर्ण को भूलना जो है वो इतना आसान नहीं है। अगर हम स्वीकार कर लें, हम जितना परिवार यहाँ बैठा हुआ है, कोई मेहतर घराने का अगर ज्ञान में आ जाए और हम उसे ब्राह्मण मान लें तो? लेकिन उसका यहाँ का तो थोड़ा समय वो रहेगा ना है? इस संगठन में तो आएगा अल्पकाल के लिए हाँ, अल्पकाल के लिए आएगा, यहाँ संगठन में उसकी जो हाजिरी है वो तो थोड़े समय के लिए है। क्यों? बाकी समय तो वो रहेगा अपने लौकिक संबंधियों के साथ। तो क्या हुआ, तो वो जब ज्ञान ले लेता आदमी और ज्ञान लेने के बाद उसकी बुद्धि में अगर ज्ञान घुमड़ता रहता है तो लंबे समय तक लौकिक परिवार का कहा जाएगा या अलौकिक परिवार का कहा जाएगा? अलौकिक परिवार का हो गया।